अपाधापी में हमारे बहुत से शौक छूट जाते हैं, अपनों को हम समय नहीं दे पाते हैं, बहुत सारी अनदेखी हो जाती है अपने स्वास्थ्य को लेकर, और बहुत सारे क्षण जो हम बिताना चाहते हैं लेकिन ज़िंदगी हमें मौका नहीं देती है। यंग सीनियर्स के लिए अंतरा सेक्टर 150 नोएडा में ये घर लेकर आए हैं, और ये धीरे 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 अपनी शक्ल लेता जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 8 एकड़ में ये प्रोजेक्ट है, और इसका डेवलपमेंट बेसिक काफ़ी कुछ हो चुका है, और जो आपको पिक्चर दिख रही है ये रिसेप्शन एरिया है, इसी से लगा हुआ सैंपल फ्लैट रेडी है। यंग सीनियर्स के लिए बनने वाला ये प्रोजेक्ट 8 एकड़ में है, और सीनियर फ्रेंडली अपार्टमेंट है। बहुत छोटी छोटी ज़रूरतों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है सीनियर्स के लिए। इसका क्लब हाउस 42,000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें थिएटर, रेस्टोरेंट और पूरे दिन काम करेगा। 24/7 मेडिकल केयर है, इन हाउस डॉक्टर है, और इनकी कीमत शुरू होती है 1,13,00,000। और कभी भी आप साइट विजिट के लिए या आपकी क्वेरी है तो आप हमें याद कर सकते हैं। और ये एंट्रेंस लॉबी है, बहुत बड़ा सा ड्राइंग रूम, इसी से लगा हुआ एंट्री पॉइंट पर ही एक बेडरूम है, जिसमें शुरुआत में राइट साइड में बाथरूम है, स्पेसियस रूम्स, और ये बेड के ठीक बगल में दोनों तरफ पैनिक बटन है, कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आप किसी को बुला सकते हैं। ये बेड के बगल में, ये दोनों साइड है बेड के। सीनियर सिटीजन्स की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। बाथरूम, इसके सारे कॉर्नर्स आपको राउंडेड मिलेंगे, कोई शार्प एज नहीं होगी, ताकि अचानक से गिरने पर, फिसलने पर चोट ना आए। अगर छोटी मोटी चोट भी आए तो कम से कम रहे। और इवन जो भी हमारी दीवारें हैं उनके जो कॉर्नर्स हैं वो सारे राउंडेड हैं। ये आपका एल शेप में या टी शेप में ड्राइंग डाइनिंग है, और इससे जुड़ी हुई एक बालकनी है। ये बालकनी एक तरफ किचन में जुड़ती है और दूसरी तरफ सबसे पहले वाले बेडरूम से जुड़ जाती है। अब हम किचन एरिया में आ गए हैं, जिसमें ड्राई एरिया, वेट एरिया अलग अलग है। इसमें आपको बहुत सारे गैजेट्स साथ में ही मिल रहे हैं, हालांकि जो ये वॉशिंग मशीन दिख रही है ये इसका पार्ट नहीं है। बालकनी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, आराम से सिटिंग हो सकती है, और इसकी सीनियर्स सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि लंबे समय तक बैठकर वो वहाँ रिलैक्स हो सकें। फिर एक ये बेडरूम आता है जो काफ़ी स्पेसियस है, डबल बेड के दोनों तरफ काफ़ी जगह है, एक तरफ रीडिंग टेबल डाली हुई है, और ये आपका बाथरूम, यहाँ पे भी सारे कॉर्नर्स राउंडेड मिलेंगे आपको। सारा जो भी फ्लोर है वो एंटी स्किड है, और डबल बेड के बगल में भी एक सोफ़ा डाला हुआ है ताकि बैठा जा सके। स्टोर रूम है, और इसके बाद मास्टर बेडरूम विच इज़ क्वाइट बिग इन साइज। यह आपका ड्रेसर एरिया जो पिछले बाथरूम में भी था इसमें भी है, और यहाँ पे भी सारे कॉर्नर्स आपको राउंडेड मिलेंगे। दूसरा है, इसमें जब भी हम चल रहे होते हैं तो सेंसर लाइट्स लगी होती हैं, रात में जैसे ही आप उठेंगे वो लाइट्स जैसे ही आप गुजरेंगे अपने आप जल जाएंगी। बाहर ये बालकनी है, बालकनी में एक नीचे भी रॉड दी हुई है, ताकि हम बालकनी से बिल्कुल चिपक के रेलिंग से ना खड़े हों और कोई गिरने का खतरा भी ना रहे।